दोस्तों दिखने में आपको ये बहुत पहचाना सा स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इस स्पीकर प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो के अंदर बने रहिए, इसका डिटेल्स क्या है, कनेक्शन क्या है, सारा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी इलेक्ट्रोहब यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सर्किट दिख रहा है स्पीकर प्रोटेक्शन, चलिए इसके एक सर्किट के बारे में आपसे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सर्किट में एक चीज़ देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपका 340 का ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, MJE 340 का ठीक इस जगह पे वो रहता है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसकी जगह आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है वो आपको दिखाएंगे हम दोस्तों। देख लीजिए, SD पिन 12 वोल्ट प्लस, VFS माइनस, VDC माइनस, VDC प्लस। इसका क्या कनेक्शन है ये हम आपको, जो ये सर्किट रहेगा इस सर्किट के साथ ये कनेक्ट होगा। ठीक है, जिस बंदे को स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ ये सर्किट चाहिए होगा उसको इसके साथ कनेक्शन करके ही हम भेजेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपको यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाए तो आप नहीं समझेंगे, तो इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए इसका जो है यहाँ पे देख लीजिए, ऑन सिग्नल क्लिप प्रोटेक्ट, ये आपको चारों कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों इस सर्किट के अंदर। ये स्पेशली क्लास डी के लिए बनाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम और आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम ये सर्किट बनाया गया है, जो कि सिर्फ स्पीकर प्रोटेक्शन की अंदर इतना फीचर्स दिया गया है, जो कि सिर्फ क्लास डी के लिए है। नॉर्मल हम इतने दिन जो भी सारा स्पीकर प्रोटेक्शन सेल कर रहे थे और उसके अंदर नॉर्मल आपको क्लिप पावर प्रोटेक्शन वाला सर्किट देखने को मिल जाता था, जो कि आपको नॉर्मल स्पीकर आउटपुट से सेंस करता था। बट ये सिर्फ स्पीकर आउटपुट से सेंस नहीं करेगा दोस्तों, ये जो आपका इस सर्किट का वोल्टेज से भी सेंस रखेगा, इस सर्किट का जो आपका यहाँ पे ओवर करंट का LED है इससे भी ये सेंस रखेगा दोस्तों। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बढ़िया होने वाला है दोस्तों। ये 12 वोल्ट में रन करने वाला सर्किट है, 12 वोल्ट के साथ साथ यहाँ से हाई वोल्टेज भी इस प्रोटेक्शन की अंदर जाएगा दोस्तों, कुछ सेंसिटिविटी के लिए। ओके, कुछ सेंसिटिविटी के लिए ये यहाँ से भी जाएगा। देखिए यहाँ पे है आपका स्पीकर आउटपुट का टर्मिनल, यहाँ पे है स्पीकर आउट माइन इनपुट का टर्मिनल। ओके, और इस जगह पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, देखिए ग्राउंड, इस ग्राउंड को आपको एम्पलीफायर की ग्राउंड के साथ या फिर सप्लाई की ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर सकते हैं आराम से। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको नॉर्मली हम वोल्टेज दे के देखते हैं ये कैसा ऑपरेट होता है, उसके बाद कोई दूसरे वीडियो के अंदर हम यहाँ से आपको दिखा देंगे कि इस जगह का क्या क्या कनेक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको वोल्टेज दे के देखते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे VDC माइनस में कनेक्ट कर ली है 12 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव में 12 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट में इसको रेगुलेट करके रखे हैं, यहाँ पे कितना सेंस ले रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0.0756 ऐसा एम्पियर ये ले रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो 12 वोल्ट रहेगा वो अगर 500 मिली एम्पियर भी रहेगा तो भी ओरिजिनल 500 मिली एम्पियर होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये रिलायबली काम करेगा दोस्तों। ओके, तो चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी LED का इंडिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे 12 वोल्ट जो है ऑफ कर देते हैं दोस्तों। रिले का आपको आवाज सुनाई दिया होगा, तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं एक बार। देख लीजिए प्रोटेक्ट वाला LED जल रहा है, ये अभी बंद हो गया। 2 से 3 सेकंड का एक मैक्सिमम टाइम लेता है, जिस सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है। बाकी क्लिप सिग्नल ऑन का जो ये तीनों का जो है इंडिकेशन ये काम करेगा जब हम यहाँ का सारा सेंसिटिविटी इसको हम देंगे, टोटल सेंसिटिविटी हम जब इस प्रोटेक्शन के अंदर देंगे उसी टाइम ये प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। नॉर्मली अगर आप इस सर्किट को एज ए DC प्रोटेक्शन के हिसाब से चलाना चाहते हैं और DC और डीले, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 400 के आसपास इसको रखा गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।